वेल दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं एक बेहद ही खास खबर को लेकर। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा है क्विक टीवी न्यूज, आप सभी दर्शकों का फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम आपको आज के खास रिपोर्ट में बताएंगे दोस्तों कि कविता कौशिक और साथ ही साथ उनके पति रोनित विश्वास ने जो भी तोहमतें लगाई थी अभिनव शुक्ला पर, जो भी तोहमतें लगाकर बिग बॉस सीजन 14 के घर से बाहर आई थी कविता कौशिक रूबीना दिलैक पर, वो पूरी तरह से फेक है। पूरे प्रूफ के साथ हम आपको बताने वाले हैं आज के स्पेशल रिपोर्ट में यही बात। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज़। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों को बता दें कि कविता कौशिक और उनके पति रोनित विश्वास ने कविता कौशिक के बाहर आने के बाद रोनित विश्वास और कविता कौशिक जो है वो एक होकर दोनों मियां बीवी ने अभिनव शुक्ला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और साथ ही साथ इस षड्यंत्र में उन्होंने क्या कहा मीडिया के सामने, उन्होंने ये बोला और खासकर कि रोनित विश्वास जो कि उन्होंने अभिनव शुक्ला को लेकर अभिनव शुक्ला के खिलाफ कई सारे ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभिनव शुक्ला जो है एक बेवड़ा है। बेवड़ा का मतलब अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि जो इंसान सबसे ज्यादा शराबी होता है उसे बेवड़ा कहते हैं। और साथ ही साथ रोनित विश्वास ने ये सारे के सारे अल्फाजों का इस्तेमाल किया अभिनव शुक्ला के अगेंस्ट में। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो पीता था, दारू पीता था, फुल टून हुआ करता था और सोसाइटी में हंगामा किया करता था और साथ ही साथ मेरी पत्नी के साथ जो है गलत नज़रों से देखता था मेरी पत्नी को और गलत गलत मैसेजेस भी किया करता था देर रात तक। इसके बाद रोनित विश्वास ने और भी कई सारे तोहमतें लगाने की कोशिश किया। अब जो है पूरी तरह से सच सामने आ चुका है और रूबीना दिलैक को भी ये बात पता चल गया है और रूबीना दिलैक ने ये ठाना है कि बिग बॉस सीजन 14 के घर से मैं जैसे ही बाहर आऊंगी उन दोनों मियां बीवी को अच्छी तरह से देख लूंगी। लेकिन उससे पहले ही मियां बीवी कविता कौशिक और साथ ही साथ रोनित विश्वास का जो खेल है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अब हम आपको बता दें कि रोनित विश्वास अगर इतने ही स्ट्रांगली अगर अपना एलिगेशन लगा रहे थे अभिनव शुक्ला के सामने तो वो उन्होंने जितने भी ट्वीट्स हैं अभिनव शुक्ला के खिलाफ किए थे वो सारे के सारे ट्वीट्स को उन्होंने डिलीट क्यों किए। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, कोई ना कोई खोट तो जरूर था कविता और साथ ही साथ रोनित विश्वास के मन में, तभी तो इन लोगों ने उन सारे के सारे ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। वेल दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही थी, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।